आजमगढ़ बुढ़मपुर कोलसा से बड़ी खबर बता दें कि बहेलियापाल गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के निधि से 220 मीटर नाली का निर्माण कराया जा रहा है। नाली के निर्माण में अनियमितता को देखते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र पांडे ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा इसमें घटिया सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है या भ्रष्टाचार को दावत दिया जा रहा है, जिससे यह नाली बहुत दिनों तक नहीं टिकी रहेगी, यह जांच का विषय बनता है। आइए देखते हैं संतोष मिश्र की रिपोर्ट बुढ़मपुर से। वीरेंद्र पांडे, कौन सा गांव है? बहेलियापाल। क्या समस्या, क्यों आप लोग यहाँ? समस्या यह है, अमरावती पांडे पत वीरेंद्र पांडे, मैं प्रतिनिधि हूँ इस गाँव को। मैं अपने निज से 12 लाख रुपया इस नाली के लिए बस्ती के लिए दिया हूँ। यहाँ ठेकेदार जो मनगढ़ंत है, दबंग है, बनी मर्जी से काम जो है दबंगई से सरिया टोटलिंग एक सरिया पर पूरी बने सिलाब जो है लाद रहा है और 2 फुट की ऊंचाई है, नीचे से लेकर तल्ली से लेकर 2 फुट की लाद में एक सरिया केवल लगा रहा है। ये मनगढ़ंत तरह से लेबर कहने पर भी नहीं सुनते हैं, वो कहता है आप इस समिति पंचायत नहीं है। सारी कितने तक नाली है? कितना? ये 220 मीटर है। 220 मीटर इसी से पूरे गांव का पानी निकलता है, पूरे गांव का पानी निकल, पूरी तरह बस्ती निकलता है। ये मनमानी ढंग से सारे ढंग से टोटली जो बालू काम करा रहा है जी। एक 5 करोड़ जो मसाला लगा रहा है, मान नहीं रहा। हम मान नहीं, मैं अब निवेदन करता हूँ कि किसी हालत में इसकी जाँच तत्काल जो है DM से, कमिश्नर से, वो कहना ये अपर जिलाधिकारी से, CM से कराया जाए। मैं वीरेंद्र पांडे पंचायत।